A very good morning to all of you. I am Shubham Sharma from RAKVB School, Bhutar. In today's video, we continue our chapter number 1 from page number 5 and see the paragraph number 2. Multiplying plants by other methods. Besides growing from seeds, new plants also grow from stems, roots, bulbs or leaves of old plants. Some common methods of developing new plants from other body parts of old plants are given below. In this paragraph, students will learn about how to multiply new plant from old plants. Okay? क्या बताया हुआ है यहाँ पर कि हमारे जो नए प्लांट्स हैं वो पुराने प्लांट्स के किस किस पार्ट से ग्रो कर सकते हैं बच्चों? स्टेम से, रूट से, बल्ब से, लीव से और प्लांट के किसी भी पार्ट से जो है नए प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कॉमन मेथड दी हुई है कि किस तरह हम लोग प्लांट्स को ग्रो करवा सकते हैं। फर्स्ट मेथड है सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम स्टेम्स। स्टेम्स के थ्रू जो है हम लोग देखेंगे कि कैसे ग्रो करेगा पूरा प्लांट। सम प्लांट्स लाइक रोज, हिबिस्कस, मनी प्लांट एंड शुगर केन ग्रोस फ्रॉम स्टेम ऑफ ओल्ड प्लांट्स। दीज मेथड इज कॉल्ड स्टेम कटिंग। Gardener grow rose by cutting small pieces of the stems during the rainy season and planting them into the soil. After a few days, the cuttings grow into new plants. इस मेथड्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं रोज, हिबिस्कस, मनी प्लांट और शुगर केन। ये सारे जो हैं स्टेम के थ्रू, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, हम एक छोटा सा स्टेम कट करके पूरे प्लांट को ग्रो करवा लेते हैं। और इस मेथड को क्या बोलते हैं हम, स्टेम कटिंग मेथड। जो गार्डनर होते हैं वो क्या बोलते करते हैं कि रेनी सीजन में, मतलब बारिश के सीजन में, प्लांट की छोटी सी स्टेम को कट कर लेते हैं और फिर उसको सॉइल में ग्रो करवा देते हैं। देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम में भी सीख करवा रखा है। यहाँ क्या हुआ, गार्डनर ने एक छोटी सी स्टेम को कट किया, इसको ग्रो करवाया और कुछ दिनों बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि पूरा प्लांट जो है रेडी, ठीक है। सेकेंड मेथड देखेंगे, सम प्लांट्स ग्रो बाय लेयरिंग। लेयरिंग के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन स्टार्ट करवा सकते हैं। Some plants can also be grown by layering. In this method, the side branches are bent towards the ground and covered with moist soil, keeping the tip free. After a few days, new roots develop. The jasmine plant is reproduced by layering. यहाँ पे देखिए layering का example आपको दिख रहा है। इस method में क्या होता है students? लेयरिंग के थ्रू प्रोडक्शन होता है। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि एक बड़ी सी उसकी कोई ब्रांच होती है, उसको सॉइल में क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। और उसको क्या करते हैं, सॉइल में दबाने के बाद उसमें वाटरिंग वगैरह देते हैं। थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे कि उस जो दबा हुआ हिस्सा है, दबा हुआ प्लांट है, पार्ट है, उसी से एक नया प्लांट ग्रो करते हुए दिख जाता है। और उसका एग्जाम्पल क्या है, जैस्मीन प्लांट। बच्चों कौन सा, जैस्मीन प्लांट। नाउ सी द नेक्स्ट पेज। थर्ड मेथड इज ग्रोइंग ऑफ ग्रास। ग्रास को हम लोग कैसे ग्रो कर सकते हैं, वी नो ग्रास प्लांट क्रीप अलोंग द ग्राउंड लाइक अ ग्रीन कार्पेट। हमें पता है बच्चों कि घास कैसे उगती है, बिल्कुल ऐसे गार्डन में फैली हुई होती है जैसे कि एक ग्रीन कार्पेट हो। आपने आपके स्कूल के लॉन में भी उसका एग्जाम्पल देखा होगा। साइड ब्रांचेस ऑफ ग्रो आउट ऑफ द क्रीपिंग स्टेम्स। और उसकी जो साइड की ब्रांचेस है वो एक दूसरे से ज्वाइंट होती जाती है, आप डायग्राम में देख भी सकते हो, और एक दूसरे के साथ जुड़ते जुड़ते इतना ज्यादा फैल जाती है कि एक लॉन की तरह हमें दिखाई देता है। दे सेपरेट एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट। और ये बाद में क्या होता है, सेपरेट होती जाती है ब्रांचेस और नया प्लांट ग्रो करती जाती है। दीज आर कॉल्ड रनर्स। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, रनर्स। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, मैंगो, ग्रेप्स, मेनी अदर फ्रूट्स प्लांट्स आर ग्रोन बाय कटिंग एंड बडिंग। और बाद में हम उसे कटिंग और बडिंग के थ्रू बहुत सारी चीजें ग्रो कर सकते हैं। सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम अंडरग्राउंड पार्ट, रूट्स और बल्ब। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, कुछ प्लांट जो है अंडरग्राउंड मतलब सॉइल के अंदर भी, भूमि के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि रूट और बल्ब से। हम यहाँ देखेंगे प्लांट्स लाइक पोटेटो, जिंजर्स एंड अनियन हैव अंडरग्राउंड टाइनी बर्ड्स। दीज बर्ड्स ग्रो इंटू न्यू प्लांट्स। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे फोटो दिया है जिंजर, अनियन और पोटेटो। कई बार आपने देखा होगा पोटेटो पे छोटी छोटी सी बर्ड्स होती हैं,
ठीक है, अनियन के अंदर भी इस पार्ट में यहाँ पर एक बर्ड होती है। अगर यदि हम इसको सॉइल में दबा दें और उसको प्रॉपर वाटर और मिनरल्स दें तो क्या होगा, ये इसका प्रोडक्शन देने लगेंगे, किसका, नए प्लांट का। ठीक है, तो एग्जांपल किसका है, ये अंडरग्राउंड पार्ट्स का प्रोडक्शन है। स्वीट पोटेटो इज अ मॉडिफाइड रूट, और स्वीट पोटेटो भी एक एग्जाम्पल है जो कि एक मॉडिफाइड रूट होती है। इफ यू पुट इन द सॉइल यू विल सी रूट्स ग्रोइंग आउट ऑफ द स्वीट पोटेटो। अगर यदि हम सॉइल में उसकी रूट को दबा दें या जमीन में लगा दें तो स्वीट पोटेटो की सेकेंड ग्रोथ हमें दिखने लगेगी। लेट अ स्मॉल प्लांट ग्रो आउट ऑफ इट, और छोटा सा पौधा जो है वो ग्रो करने लगेगा। सम प्लांट्स लाइक गैलेडियोली लिलीज एंड ट्यूबर रोजेस ग्रो फ्रॉम द बल्ब ऑफ द मदर प्लांट। द बल्ब आर अंडरग्राउंड बर्ड, दीज आर कॉल्ड बल्ब बिकॉज दीज आर शेप्ड लाइक बल्ब। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो एग्जाम्पल्स दिए हैं तीनों, वो लोग क्या करते हैं, बर्ड के थ्रू ग्रो करते हैं। ठीक है, और जो वो बल्ब है उसको हम बल्ब क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसका शेप बल्ब जैसा होता है। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम बल्ब, बल्ब शेप में रहता है, उसको हम सॉइल के अंदर क्या करते हैं, दबा देते हैं और बाद में उसको ग्रोथ करने की कंडीशंस देते हैं, तो एक छोटा सा पौधा, न्यू प्लांट जो है वो ग्रो कर जाता है। सम प्लांट्स ग्रो थ्रू देयर लीव्स, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो लीव्स के थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं। इन ब्रायोफाइलम, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दिया है, बर्ड्स इन ब्रायोफाइलम प्लांट, देयर आर बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द एजेस ऑफ द लीव्स, दीज बर्ड्स ग्रो इन टू न्यू प्लांट। देखिए यहाँ पत्ती के ऊपर क्या होता है, कुछ एजेस होते हैं, ये देखिए ये एज ये एज ये एज, यहाँ पे नई प्लांट जो है ग्रो कर जाती है, मतलब नई लीव जो है वो ग्रो करने लगती है। और उसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, ब्रायोफाइलम। ठीक है, एजेस पे बर्ड्स प्रेजेंट होती है और वो बर्ड्स जो है नए प्लांट को जन्म देती हैं। क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स, इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारे क्रॉप्स हैं और वेजिटेबल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इफ वी नो द कंडीशन दैट आर सुटेबल फॉर हेल्दी जर्मिनेशन ऑफ सीड्स वी कैन ग्रो बेटर क्रॉप्स। We know that plants for the healthy crops, healthy growth need suitable soil, water, mineral, humus, temperature and sunlight. Different plants require different kinds of soil. Students, इस पार्ट में क्या बताया हुआ है आपको कि crops and vegetables या proper condition में अगर यदि हमारे पास हैं सारी चीजें तो हम हमारे production को बहुत ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। और ये healthy conditions क्या क्या हैं हमारे पास, अगर यदि हम क्रॉप्स को एक प्रॉपर कंडीशंस देंगे, जैसे कि प्रॉपर वाटर, मिनरल्स, ह्यूमस, टेम्परेचर और सनलाइट देंगे प्रॉपर अमाउंट में, तो हमारा प्लांट जो है वो हेल्दी ग्रोथ करेगा और हेल्दी प्रोडक्शन भी हमें देगा। ठीक है, लेकिन फिर भी एक हर एक प्लांट की अलग अलग सुटेबल कंडीशंस होती हैं जिनको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राइस एंड जूट ग्रो इन क्लेई सॉइल विच होल्ड्स इनफ वाटर, दिस इज वाई मोर राइस इज ग्रोन इन और अंडरग्राउंड अराउंड बेंगाल। ठीक है, राइस और जूट दोनों ऐसे वो है, एक अनाज है जो कि कहां पर, क्लेई सॉइल में। ठीक है, क्लेई सॉइल में अच्छे से ग्रो करते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास क्लेई सॉइल की क्वालिटी क्या होती है कि वो ज्यादा वाटर को होल्ड कर सकते हैं, और ज्यादा वाटर को होल्ड करने की वजह से ही क्लेई सॉइल में उसका प्रोडक्शन अच्छे से हो पाता है। ठीक है, इसलिए जो बंगाल के आसपास का एरिया है वहां पर राइस जो है वो ज्यादा ग्रो कर पाते हैं। वीट इज ग्रोन इन द सैंडी एंड इरिगेटेड सॉइल ऑफ पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। जवार एंड बाजरा आर आल्सो ग्रोन इन सैंडी सॉइल लाइक दैट ऑफ राजस्थान। ज्वार और जो हमारा ज्वार का वीट होता है, ठीक है, और एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि बाजरा, ये दोनों कौन से सॉइल में ग्रो करते हैं बच्चों, सैंडी और इरिगेटेड सॉइल में। ठीक है, और ये मेनली ये वाला अनाज किस क्षेत्र में स्पेशली होता है, पंजाब और उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी। ठीक है, तो इरिगेटेड और सैंडी सॉइल मेनली वहीं पाई जाती है, इसलिए वहां पर इसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है। नाउ सी द नेक्स्ट पेज, ब्लैक सॉइल ऑफ सेंटर एंड वेस्टर्न इंडिया इज गुड फॉर कॉटन। जो सेंटर वाला पार्ट है हमारा, जैसे कि एमपी के आसपास के एरिया, वहां पे क्या होता है, कॉटन ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर ब्लैक सॉइल ज्यादा होती है जिसकी वजह से वहां पर कॉटन ज्यादा ग्रो होता है।
Tea plants need moist soil and most tea plantation are in hilly place on the slopy of fields. स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि टी की खेती कैसे होती है, ठीक है। आपने चाय के बागान देखे होंगे, वो कैसे टेढ़े स्लोप में प्रोडक्शन देते हैं। एरिया ऑफ आसाम, नीलगिरी एंड दार्जिलिंग, नीलगिरी और आसाम वाले जो एरिया है वो हिली प्लेस पे क्या करते हैं, टी का प्रोडक्शन करवाते हैं मेनली, क्योंकि वहां पर मॉइस्ट सॉइल ज्यादा होती है और इजीली जब स्लोई कंडीशन होती है, स्लोप वाली कंडीशन होती है, तो वाटर को का जो पूरा प्रोडक्शन है, वाटर को हम इजीली जो है वो प्लांट्स तक पहुंचा सकते हैं। मेज ग्रोस वेल इन ड्राई सॉइल ऑफ प्लेन्स और हिल्स। मेज जो है वो कहां पे, भुट्टा जो है वो कहां पर मेनली रहता है, ड्राई सॉइल में और प्लेन्स में और हिल्स के आसपास जो है ज्यादा ग्रो कर सकता है। कोकोनट ट्रीज ग्रो प्रॉपरली ऑन इन कोस्टल एरियाज, और जो कोस्टल एरियाज रहते हैं वहां पे सबसे ज्यादा खेती किसकी होती है, कोकोनट सीड्स की, ठीक है। अनियन एंड ग्राउंडनट नीड अ वेल डिफाइंड सैंडी ऑइल, और स्पेशली अनियन और ग्राउंडनट जो है वो कहां पर, सैंडी सॉइल जो होती है वहां पर ग्रो कर सकते हैं। तो हमें अलग अलग कंडीशंस पता चल गई है स्टूडेंट्स कि किस सॉइल को हम लोगों को किस अनाज के लिए प्रॉपरली यूज कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वीट और ग्रेन्स की, डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स की, क्रॉप्स की जो है डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट क्लाइमेट एंड सीजन। स्टूडेंट पिछले उसमें हम लोगों ने पैराग्राफ में पढ़ा, क्या पढ़ा था कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, हर क्रॉप की और वेजिटेबल की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है। सेम ऐसे ही हर प्लांट्स के ग्रोथ की के लिए हमें क्लाइमेट और सीजन भी अलग अलग चाहिए होते हैं, मतलब हर फसल जो है अलग अलग सीजन में ग्रो करती है क्लाइमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग। क्रॉप्स लाइक वीट एंड ग्रेन, जो अनाज होते हैं मेनली गेहूं अनाज जो होते हैं उनको वो कब उगते हैं, इन विंटर, एंड आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। क्रॉप्स लाइक वीट एंड ग्राम ग्रो इन विंटर एंड आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। ऐसे क्रॉप्स जो विंटर में ग्रो करते हैं, ठीक है, क्या बच्चों, विंटर में ग्रो करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप्स। आया बच्चों आपको समझ में कि वीट और ग्राम, चना और गेहूं की फसल जो है वो कब ग्रो करती है अच्छे से, विंटर में, विंटर क्लाइमेट चाहिए होता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रबी क्रॉप्स या रबी पाक, ठीक है। राइस, ज्वार एंड बाजरा, चावल ज्वार और बाजरा ग्रो इन समर एंड और कॉल खरीफ क्रॉप्स। चावल ज्वार और बाजरा जो है वो कब, गर्मियों में अच्छे से ग्रो करते हैं और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप्स, ठीक है बच्चों। ये चीज आपको ध्यान से रखनी है कि खरीफ पाक जो है, खरीफ क्रॉप्स जो है वो किस क्लाइमेट की जरूरत होती है उसको, किस सीजन की, समर की, और उसके एग्जाम्पल क्या है, राइस ज्वार और बाजरा, ठीक है। एंड रबी क्रॉप्स जिसको हम रबी पाक बोलते हैं उसको वो कब ग्रो करते हैं, विंटर में, और उसका एग्जाम्पल क्या है, वीट एंड ग्राम गेहूं और चना। वेजिटेबल्स आर ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री, वेजिटेबल जो है वो पूरे देश में ग्रो करते हैं। वेजिटेबल लाइक कैबेज, कॉलीफ्लावर, बीन्स, रेडिश एंड पी ग्रो वेल ड्यूरिंग विंटर। ये सारे जो वेजिटेबल्स हैं जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, बीन्स, रेडिश, ये सब कुछ विंटर में ज्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं। इन समर वेजिटेबल लाइक पम्पकिन, ब्रिंजल एंड ग्राउंड ग्रो वेल्स, जबकि गर्मियों में कद्दू और बैंगन जो है वो ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए एक अच्छी क्रॉप का एग्जांपल यहाँ दिया है, अ गुड क्रॉप, ये क्या है, टी के बागान दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर अच्छा प्रोडक्शन दिखाई दे रहा है। These days manner called chemical fertilizer are added to the soil to increase the production of vegetables. ठीक है, हम लोगों का अगर हमारे क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ाना है, वेजिटेबल का प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, कुछ केमिकल फर्टिलाइजर और मेनर्स जो है वो हमें क्या करना होता है, सॉइल में डालना होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, ठीक है। डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड काउ डंग आर कॉमन मैनर्स, ठीक है, और उसके एग्जाम्पल क्या है, आपने देखा होगा कि मरे हुए और सड़े गले हुए प्लांट्स होते हैं,
और जो काउ डंग होता है जिसको हम गोबर बोलते हैं हमारे लोकल लैंग्वेज में, वो भी वो क्या है, वो प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा, इसको बोलते हैं मैनेज, ठीक है। और ये हमारे प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है, मतलब एक तरह से वो क्या हो गए, बायो फर्टिलाइजर्स हो गए, ठीक है। और केमिकल फर्टिलाइजर्स अलग अलग केमिकल से बने हुए होते हैं। द कॉमन फर्टिलाइजर यूज आर, लेकिन कॉमनली जो मार्केट में अवेलेबल फर्टिलाइजर्स है वो क्या क्या है बच्चों, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट एंड सुपर फॉस्फेट्स। एग्जाम्पल्स मैं वापस से पढ़ रही हूँ, कॉमनली फर्टिलाइजर्स कौन कौन से हैं बच्चों, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट एंड सुपर फॉस्फेट्स, ठीक है। ये सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, जबकि बायो फर्टिलाइजर्स क्या हुए हमारे, डेड एंड डिक्लाइन प्लांट्स और काउ डंग, ठीक है स्टूडेंट्स। फॉर अ गुड एंड हेल्दी क्रॉप्स वी मस्ट अडॉप्ट द फॉलोइंग मेथड्स। अगर हमारा प्रोडक्शन हमें अच्छा करना है, हमारी क्रॉप्स को हमें हेल्दी करना है, तो हमें कौन कौन से तरीके अपनाने होंगे वो हम यहाँ पे सीन करेंगे। यूज हेल्दी एंड राइप सीड ऑफ बेस्ट वेराइटी फॉर सोइंग। हमें क्या करना है बच्चों, ऐसे सीड लेना है जो हेल्दी भी है और पूरी तरह पके हुए भी हो, कच्चे सीड और अनहेल्दी सीड हमें नहीं लेना है। प्रिपेयर द लैंड वेल बिफोर सोइंग। किसी भी सीड को या किसी भी वेजिटेबल क्रॉप को बोने से पहले हमें क्या करना है, सोइल को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, मतलब लैंड को अच्छे से तैयार कर लेना है। देखा होगा ना पहले आपने बेल से या हल से हम लोग पूरे खेत को जोतते हैं, है ना, वो कर लेना है हमें। एड मैनर्स एंड फर्टिलाइजर टू द सॉइल। और सॉइल में हम लोग को क्या करना है, ये जो हमने केमिकल और बायो फर्टिलाइजर्स पढ़े हैं वो भी हमको पहले से ऐड कर देना है सॉइल में, ताकि उसकी फर्टिलाइजेशन की प्रॉपर्टी जो है वो और ज्यादा इंक्रीज हो सके। इरिगेट द सॉइल प्रॉपरली, और सॉइल को इरिगेट करते रहना, टाइम टाइम पे हमको फील्ड को क्या करना है, पानी देते रहना चाहिए, इरिगेट करते रहना चाहिए, ठीक है, और मिक्स करते रहना चाहिए। क्रॉप रोटेशन हेल्प्स टू रिटेन फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रॉप रोटेशन क्या होता है मैं आपको समझा देती हूँ। हर सीजन में हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग क्रॉप्स बोते हैं, लेकिन एक समय ऐसा होता है कि जिस समय में हमें क्या करना है, क्रॉप्स को नहीं बोना है, फील्ड कुछ टाइम तक हमें फ्री रखनी है, क्योंकि अगर हम एक फील्ड पे बार 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 प्रोडक्शन करते जाते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी जो है कम हो जाती है और उसका प्रोडक्शन रेट भी कम हो जाता है। तो हमें कुछ समय के लिए, हमारे 4 या 3 महीने के लिए हमें खेत को खाली रखते हैं ताकि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती जाए, और इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, ठीक है, जिससे फर्टिलिटी बनी रहती है और प्रोडक्शन भी बढ़ता हुआ रहता है। तो आपको यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ाया बच्चों, ये पढ़ाया है कि इफ अगर यदि हमें प्रोडक्शन को हाई रखना है, अच्छी प्रोडक्शन चाहिए, हेल्दी प्लांट चाहिए हमें, तो हमें ये तरीके अपनाना होंगे। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेज ऑफ सीड्स। अब हम लोगों ने प्रोडक्शन तो अच्छा कर लिया, लेकिन उसके प्रोटेक्शन के लिए और उसके स्टोरेज को हम कैसे कर सकते हैं, मतलब हमें जो प्रोडक्शन मिला है, हमें जो सीड्स मिले हैं, हम उसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं और साथ में स्टोर कैसे कर सकते हैं। फॉर बेटर एंड हेल्दी क्रॉप्स वी मस्ट प्रोटेक्ट द क्रॉप्स। अगर हमें हेल्दी क्रॉप्स चाहिए और उसको हमें अच्छा रखना है तो हमें कुछ प्रोटेक्शंस लेने होंगे, जैसे कि प्रोटेक्ट द क्रॉप्स इन द फील्ड अगेंस्ट ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक गोट्स, काउस एंड बफेलोज बाय प्रॉपर फेंसिंग। हमें क्या करना है, जो एनिमल्स हैं जैसे कि बकरी और गाय और भैंस, ये क्या करती हैं, हमारे खेतों में जाकर हमारे खेतों की फसल को नष्ट कर देती, खा जाती हैं, तो उससे हमें प्रोटेक्शन के लिए हमें उनके आसपास फेंसिंग लगानी होगी बच्चों। प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम बीइंग ईटन और स्पॉइल्ड बाय रेट, माइस, स्क्वेरल एंड अदर बर्ड्स। हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारे खेतों में चूहे और गिलेरियां और अदर बर्ड्स जो हैं वो क्या करें, उनको खाए ना, उनको नष्ट ना करें, उसके लिए भी हमें ध्यान रखना होगा। द डिसीज प्लांट शुड बी रिमूव फ्रॉम द फील्ड रेगुलरली, दिस रिड्यूस द चांसेस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ डिसीज। और जो डिसीज प्लांट है, मतलब बीमार पौधे जो हैं बच्चों, उनको क्या करना है, हमें टाइम टू टाइम निकालते रहना है। क्यों? क्योंकि वो दूसरों में बीमारी फैला सकते हैं, तो अगर यदि हमें दूसरे प्लांट्स को हेल्दी रखना है तो हमें बीमार पौधों को वहां से हटाना होगा। नाउ सी द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 8। फोर्थ, प्रोटेक्ट द क्रॉप्स अगेंस्ट डिसीज एंड हार्मफुल इंसेक्ट।
क्रॉप शुड बी स्प्रेड विथ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स सच एज ग्रेमेक्सिन एंड डीडीटी। हमें इंसेक्ट से बचाव के लिए, कुछ ऐसे डिसीजेस होते हैं जो इंसेक्ट और हार्मफुल इंसेक्ट्स से जो है स्प्रेड होते हैं, तो उनसे हार्मफुल ना हो हमारी क्रॉप्स, इसके लिए हमें क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करना होता है बच्चों, ठीक है। और उसके एग्जांपल्स क्या है, ग्रेमेक्सिन और डीडीटी। मैं आपको बताती हूँ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड होता क्या है बच्चों। कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो क्रॉप्स को खा जाते हैं या क्रॉप्स में डिसीज प्रोवाइड करवाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, इंसेक्ट, ठीक है। और उनको किल करने वाली दवाइयों को या केमिकल्स को क्या बोलते हैं बच्चों, इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। इंसेक्टिसाइड्स ऐसे केमिकल जो इंसेक्ट को किल कर सकते हैं उनको इंसेक्टिसाइड बोलते हैं, और ऐसे केमिकल जो पेस्ट को किल करते हैं उनको बोलते हैं हम पेस्टिसाइड्स। और एग्जांपल्स क्या है उनके, ग्रेमेक्सिन एंड डीडीटी। ओके बच्चों, आफ्टर हार्वेस्टिंग द सीड्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मॉइस्चर। जब हम लोग पूरी फसल को क्रॉप का प्रोडक्शन हो जाता है, उसको कट कर लेते हैं, हमारे पास सीड्स आ जाते हैं, पूरा क्रॉप्स आ जाता है, तो हमको उसको क्या करना चाहिए, अच्छे से क्या करना है, उसको सेव करना है, स्टोर करना है। तो हम ऐसी जगह पर स्टोर करें जहां पर मॉइस्चर ना हो, क्योंकि अगर मॉइस्चर या नमी हुई तो वो हमारी फसल को खराब कर सकते हैं, उसमें फफूंद लग सकती है, वो सड़ सकती है, गीली हो सकती है। दीज हैव टू बी कीप्ड सेफ फ्रॉम रेट्स। हमें उनको रेट्स, मोल्स, बर्ड्स, स्क्वेरल एंड इंसेक्ट, सो द सीड्स शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट सील्ड कंटेनर। और साथ में हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारी सीड जो है किससे सेफ रहे, चूहों से, बर्ड से, गिलहरियों से, मोल से, इन सब से भी जो है सेफ रहे। इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हम सीड को स्टोर करें वो कहाँ रखें, एयर टाइट सील कंटेनर, ऐसे कंटेनर्स में पैक करें जिसमें ना एयर आ जा सके और ना ही उसमें कोई मॉइस्चर लग सके, ठीक है बच्चों। अ गुड एंड हेल्दी क्रॉप एड टू द वेल्थ ऑफ अ कंट्री। एक अच्छा, अच्छी और एक स्वस्थ फसल जो है वो हमारे देश को समृद्ध बनाती है, ठीक है बच्चों। आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे। अभी मैं आपको यहाँ पर अपना आपका होमवर्क बताने वाली हूँ। मैं आपको शाम इस वीडियो के बाद में इवनिंग टाइम में आपको पूरा प्रैक्टिस टाइम का आंसर शीट जो है खुद से डालने वाली हूँ, पूरा पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको डालूंगी। पर आपका आज का होमवर्क क्या क्या है, बी, एक्सरसाइज नंबर बी एंड डी, आपको ये खुद से करके रखना है, किसमें, टेक्स्ट बुक में ही करके रखना है। और इधर देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है आपको खुद से प्रिपेयर करके रखना है टेक्स्ट बुक में ही, और इवनिंग टाइम में मैं आपको पूरा आंसर शीट इसका बनाकर देने वाली हूँ, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, बाय।